राम राम मेरे सही भाई, कैसे हो आप सब। तो आपका स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज बस ऐसे ही मन कर गया थोड़ा हैवी स्क्वाट्स करने का, तो आज मैं अपना पीआर देखना चाहता हूँ मैं कितना कर सकता हूँ। वैसे तो बहुत दिन हो गए मेरे को स्क्वाट्स मारते, तो आज अपना पीआर चेक करूँगा मैं, तो आपको दिखाते हैं अपना मैं पीआर कितना कर सकता हूँ। तो अभी तो अपना हैवी लिफ्ट करने से पहले, पूरा लिफ्ट करने से पहले आपको हर चीज़ की प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, जैसे कि बैंड, नी बैंड हो गया, ठीक है ना, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ इस तरीके से आपको ये बैंड बांधना है। अगर आप हैवी लिफ्ट करोगे तो जैसे वेट लिफ्टर देखे होंगे आपने, है ना, बैंड लगाते हुए, तो उस तरीके से आपको ये लगाना है। ऐसे बांधना है क्योंकि हैवी लिफ्ट करने से पहले आपको ये चीज करनी जरूरी है, नहीं तो इंजरी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ मेरे से एक पी आर अपना लिख लेगा या नहीं लिख लेगा या आधे में रह जाऊंगा, जैसे भी होता है आपको दिखाते हैं। अभी एक बार मैं अपने नी बैंड बांध लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो अपने नी बैंड जो आप बांधोगे ये पूरी ताकत से बांधे, पूरे टाइट, ठीक है ना। ओहो भाई बहुत टाइट है। और साथ में आपको बेल्ट भी लगानी है, मतलब हर चीज़ के साथ आपको पूरी तैयारी के साथ जो भी अपना आप वेट लिफ्ट करोगे हैवी उसमें आपको लगाना है। तो भाई दिखाते हैं आपको, बेल्ट भी आपको ज़्यादा टाइट नहीं बांधनी और ज़्यादा लूज नहीं बांधनी, मीडियम बांधने जो आपका जो आप सांस ले सकते हो। अभी पूरी तैयारी के साथ बेल्ट वेल्ट लगाने के बाद, नी बैंड लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपना पीआर उससे लगेगा या नहीं लगेगा। तो भगवान का नाम लेके, बजरंग बली का नाम लेके तो लगाते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना प्रॉपर लगाया था नहीं लगाना, सॉरी प्रॉपर लगाया था नहीं लगाया था, तो कमेंट करके जरूर बताना, नेक्स्ट टाइम से दोबारा ट्राई करूंगा और अच्छे से मारने के लिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।